दोस्तों, तेजी से हाइट बढ़ाने के लिए आज मैं आपको 3 योगासन बताने वाला हूं। अगर आप इन आसनों का अभ्यास करते हैं तो आपकी लंबाई को बढ़ाने वाला ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाएगा। अगर आप अपनी हाइट को लेकर सीरियस हैं तो 2 बातें अपने दिमाग से हटा दें। पहला, आपकी हाइट सिर्फ माता पिता पर निर्भर है। दूसरा, 18 के बाद हाइट नहीं बढ़ती। ये 3 आसन लॉकडाउन के समय हमारे एक भाई ने घर पे किया था और उसकी हाइट 2 इंच बढ़ गई। और जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि 1 इंच हाइट की कीमत क्या होती है। और अब सुनो हैरान कर देने वाली बात, जब भी कोई नया लड़का आर्मी में जाता है तो ट्रेनिंग के बाद उसकी हाइट आपको 2 से 3 इंच बढ़ी हुई मिलेगी। कारण है पूरे दिन का शारीरिक परिश्रम, जो समय के साथ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाता है। आप देखना, बास्केटबॉल खेलने वालों के लिए 6 फीट की हाइट होना सामान्य बात है। दोस्तों, महाभारत के समय तो योद्धाओं और कॉमन इंसान की हाइट 8 फीट से भी ज्यादा होती थी, और उसके कई वर्षों बाद भी आप देख सकते हो महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धाओं की हाइट। दोस्तों, अभी फिलहाल आपकी हाइट कितनी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब देखो, लेकिन समय बीतने के साथ लोगों की हाइट गिरती चली गई। हम भूलते गए आयुर्वेद को। ब्रह्मचर्य और योगासन की जानकारी हमें स्कूल में कोई नहीं देता, तो ये 3 आसनों को अपनाएं, आपको हाइट बढ़ाने में विशेष लाभ होगा। सबसे पहले आता है वृक्षासन। ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जो कि आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाएगा। इसमें आपको एक पैर पे बैलेंस बनाकर अपने हाथों को ऐसे एक साथ लाना है। 1 मिनट तक बैलेंस बनाएं और फिर दूसरे पैर से इसे करें। इसके 8 से 10 रिपीटेशन लगाने हैं। दूसरा है सर्वांगासन। दोस्तों, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि शरीर के सभी अंगों के लिए ये बना है। ये रीढ़ की हड्डी को सीधा करके उसकी लंबाई बढ़ाता है। पीठ के बल लेट जाएं, पैर और कमर ऊपर उठाकर सारा भार कंधों पर लाना है। संतुलन ना बिगड़े इसके लिए पीठ को अपने हाथों से सहारा दें। दोनों कोहनियां जमीन पर होंगी, हाथों को कमर पर रखें और ध्यान रहे पैर और कमर बिल्कुल सीधा हो। लंबी गहरी सांस लें और 30 सेकेंड इस आसन में रहें। अपने सामर्थ्य के अनुसार इसे करेंगे। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है आपके लिए, वो है सूर्य नमस्कार। इसको करने से चिंता दूर रहेगी, नींद गहरी होने से हार्मोन बढ़ेगा। पुराने समय के गुरुकुल के हर शिष्य को यह करवाया जाता था, और इसका नतीजा ये हुआ कि 25 तक आते आते लगभग सबकी हाइट 5 फीट 10, 5 फीट 11 के करीब होती थी। 15 से 20 मिनट एज अ बिगनर आप कर सकते हैं सूर्य नमस्कार। गुरुकुल के शिष्यों के जीवन में ब्रह्मचर्य यानी संतुलन था। वीर रक्षा करते थे वो। शरीर को अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती थी वीर बनाने में, जिस वजह से हड्डियों का विकास अच्छे से हो जाता था। इसलिए वीरवान बने और साथ में इन आसनों को अपनाएं। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। द इल्यूमिनाटी शो नाम से ही है। टेलीग्राम पे सर्च करने से भी आपको मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़िए, पूरा साल ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शेयर कीजिए इस वीडियो को एक ऐसे इंसान के साथ जिसने वीर बर्बाद करके खुद को पूरा खत्म किया है।